ऐसा तो आपने बहुत सुना होगा कि ग्रहण चाहे सूर्य का हो या चंद्र का, इसमें बहुत से परहेज व्यक्ति को करने पड़ते हैं, जैसे कि ग्रहण के बीचों बीच खाना ना बनाना, खाना ना खाना, शुभ कार्य नहीं करना, शोर नहीं करना। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती। साथ ही मानव जीवन में और भी कुछ नियमों का पालन की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जानवरों से लेकर पक्षियों और जल जीवों के जीवन पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल मानव तो घड़ी में समय देखकर अपनी सारी क्रियाओं को निर्धारित कर लेते हैं, मगर जानवर ऐसा नहीं कर सकते। उनकी तो सारी क्रियाएं प्रकृति की घड़ी पर आधारित होती हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात। जानवरों के सभी काम प्रकृति रूपी रोशनी और अंधेरे से तय हो जाते हैं कि कब तक दिन की रोशनी और उन्हें अपने भोजन के लिए कब तक घूमना है। इसके बाद अंधेरे की आहट के साथ वह जान लेते हैं कि रात आ गई है, और इस बीच में वह ये तय कर लेते हैं कि उन्हें कौन सी दूसरी जगह पर जाना है और कहां उन्हें सोना होगा, यानी उनका वो ठहराव जहां वो अपना बसेरा बनाएंगे। मगर कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो जानवरों का सारा जीवन चक्र प्रभावित हो जाता है और ग्रहण से उनके जीवन पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि वह प्रकृति के समय को नहीं समझ पाते और ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रहण में जानवरों की हालत खराब हो जाती है और वह भ्रमित हो जाते हैं, और इसके साथ ही उनमें बेचैनी और मायूसी बढ़ती है। आपको बता दें कि जानवरों का बर्ताव अचानक से बदलने लगता है और वह अपने सामान्य बर्ताव में नहीं रह पाते। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण की अवधि का जानवरों पर ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, यानी चांद के पीछे सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ऐसे में चांद के आगे आने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती और कुछ देर के लिए जानवरों समेत सभी को अंधेरा दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि ब्राह्मण की घटनाओं का सबसे ज्यादा असर जानवरों पर ही होता है। ग्रहण के दौरान शोर मचाने वाले जानवर खामोश हो जाते हैं और कई जानवर चीखने भी लगते हैं। ग्रहण के दौरान कुत्ते दुखी होकर भौंकते हैं और रोते हैं। वहीं कई जानवर खुद को थका हुआ और मायूस पाते हैं। पालतू जानवरों को घरों के अंदर कर लिया जाता है। पक्षी अपना शोर बंद कर लेते हैं। ऐसे में ही जो पानी में जीव एक्टिव होते हैं, जैसे मछलियाँ, वो भी शांत हो जाती हैं। दरियाई घोड़े नदियों से दूर जाने लगते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी अपने जाले तोड़ने लगती है। इस तरह ग्रहण का प्रभाव जानवरों पर हावी होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नए अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।